ये गाना सुन लिए, अच्छा लगा, मुझे भी अच्छा लगा। देखिए ये सोनी एलईडी टीवी ब्राविया का है, 32 इंच। इसमें प्रॉब्लम क्या है देखिए, हम आपको दिखाते हैं। देखिए देख रहे हैं, ये जैसे हम लोग का टीवी में सीआरटी टीवी में आता है, इक्वल के चलते ऐसे नेगेटिव आने लगता है, ठीक उसी प्रकार का ये कुछ सिमिलर प्रॉब्लम है। देखिए हम आपको दिखा, देख रहे हैं, बहुत लोगों को तो लगता है कि एलवीडीएस का एलवीडीएस वायर जो जैसे फ्लिप फ्लिप वाला वायर आता है उसका प्रॉब्लम है, लेकिन उस फ्लैप का भी प्रॉब्लम नहीं है, एलवीडीएस का भी प्रॉब्लम नहीं है। ये वीडियो बनाने का मुख्य पर्पस है कि हम आपको जो प्रॉब्लम शॉर्ट आउट हो जाता है, जो बनाते हैं, जो मुझे अच्छा लगता है, वो हम आपको बीच में वीडियो डालते हैं ताकि आपको भी ये देख कर कुछ सीखें। देखिए ये 32 इंच का है, KDL-32EX550 मॉडल नंबर है इसका, सोनी ब्राविया है, बहुत पुराना मॉडल हो गया है, सोनी ब्राविया का है। इसमें प्रॉब्लम आपने देखा और किस प्रकार से रिपेयर हुआ हम आपको दिखाते हैं। देखिए आपका ये हो गया PFC पावर सप्लाई, इसका मदरबोर्ड देख रहे हैं, देखिए कितना प्रोसेस, देखिए कितना डस्ट भरा हुआ है, दिख रहे हैं। देखिए इसको हम आपको ओपन करके दिखाते हैं, इसका कौन सा स्केलर कौन सा ये, देखिए इसमें ये सिंगल कफ लगा है, देख रहे हैं सिंगल कफ लगा हुआ है। इसमें CKB पॉइंट फर्स्ट में है, ये 3 बिंदु दिया है और इधर 3 बिंदु है, दोनों के डॉट के बीच में CKB पॉइंट तो है, सेम CKB पॉइंट, देखिए सेम CKB पॉइंट इधर भी है, ये रजिस्टर के नीचे या कहिए तो PF के नीचे। देखिए इसमें A to Z वोल्टेज हमने अपने चेक करने के बाद A to Z वोल्टेज परफेक्ट है, ठीक है। इसका फ्लैप हम आपको दिखाते हैं किस प्रकार का इसका फ्लैप है, फ्लैप काफ़ी गंदा है, देखिए ये फ्लैप को ठीक की तरह से साफ करने के बाद हम आपको इसको दिखाते हैं कि क्या प्रॉब्लम सॉल्व होता है या नहीं होता है। देखिए देखिए उठा के दिखाते हैं, तो फ्लैप साफ करके लगा दिए हैं, दिखाते हैं, देखिए सेम ऐसा है जैसा पहले जो स्थिति में था और अभी के स्थिति में है। ये इसके CKB पॉइंट भी काटती है, क्या कभी कभी होता है कलर का प्रॉब्लम, यहाँ से कट करने के बाद हो जाता है, बट हुआ नहीं, ठीक है। हम आपको डायरेक्ट दिखाते हैं कि किस प्रकार से क्या रिपेयरिंग किए हैं, हम आपका टाइम ज़्यादा से ज़्यादा नहीं लेते हैं, एकदम 100% जो रियल रहता है वही हम आपको दिखाते हैं। ये देख लीजिए लेफ्ट और राइट साइड का CKB पॉइंट हम आपको दिखा देते हैं ताकि आगे चल के आपको हेल्प हो, इससे कुछ मदद हो। गामा IC भी जस्ट इसके ऊपर है। मेरा वीडियो बनाने का मेन पर्पस है कि हम आपको सटीक दिखाएं, देखिए जो ख़राब है उसको हम मार्क लगा के आपको दिखा दें। देखिए ये एक प्रकार का रजिस्टर है, यहीं ख़राब हो, इसमें 4 पॉइंट है, देखिए किस प्रकार से रिपेयर हुआ है। देखिए ये 0 ओम्स का रजिस्टर आता है, ये 0 ओम्स का रजिस्टर था, सब आपको 2, 3, 5 तक ओम्स बताना चाहिए, एक जो यहाँ पर था वो आपको 15 ओम्स बता रहा था, हमको शक हुआ और फिर इसको हम रिपेयर किए। देखिए किस प्रकार से A to Z बाईपास, एक कॉइल में 4 पॉइंट है, 4 पॉइंट 2 पॉइंट एक्स्ट्रा दे दिए हैं जस्ट उसके बगल वाला, और सेट देखिए ओके हो गया। देखिए हम आपको चैनल चेंज करके दिखाते हैं, उससे तो स्टार्टिंग में ही आपको हम वीडियो दिखा दिए थे जी, क्या है कैसा प्रॉब्लम है। देखिए ये आपको हम इमेज के तरह से दिखाते हैं, देखिए यहाँ से देख रहे हैं ये वाला पॉइंट जो प्रोसेसर से डायरेक्ट आ रहा है वहीं सेटअप, देखिए देखिए। थैंक यू, पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू, अगर आपको अच्छा लगा तो आप शेयर करिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।